गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई कंप्यूटर क्लास. यस्टरडे आई एक्सप्लेन द एक्सरसाइज नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4, पेज नंबर 37. नाउ एक्सरसाइज नंबर 4, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको क्या करना है, टिक करना है जो कि सही स्टेटमेंट हो, एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. और जो गलत है उसे हम क्या करेंगे, क्रॉस का टिक करेंगे. तो सही सेंटेंस के आगे हम सही का टिक करेंगे और रॉन्ग सेंटेंस के आगे हम क्रॉस का साइन करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पॉइंट नंबर 1, डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द कंप्यूटर रूम. डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द कंप्यूटर रूम. क्या हमको खाना और पीना नहीं चाहिए कंप्यूटर रूम में? ये क्या होगा, हमें खाना और पीना चाहिए कंप्यूटर रूम में? नहीं खाना पीना चाहिए ना. तो दिस आंसर इज राइट. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टिक का साइन कर देंगे. डू नॉट ईट और ड्रिंक इन अ कंप्यूटर, वहाँ पर हमें खाना और पीना नहीं चाहिए. कहाँ पर, कंप्यूटर रूम में. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज बी, मेक नॉइस इनसाइड द कंप्यूटर रूम. मेक नॉइस, हम क्या करते हैं, हमको कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर रूम जो है उसके अंदर हमको नॉइस करना चाहिए. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. हमें कंप्यूटर रूम में अंदर कभी भी शोर नहीं करना चाहिए. तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो टेक द क्रॉस. नेक्स्ट सेंटेंस, ऑलवेज प्रेस द की. ऑलवेज प्रेस द की ऑफ कीबोर्ड रफली. हमेशा हमको प्रेस करना चाहिए कीज़ को कीबोर्ड के रफली. क्या हम कीबोर्ड की कीज़ को रफली यूज़ करेंगे हमेशा? तो क्या होगा अगर हम रफली यूज़ करेंगे, तो कभी सारी कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं वो सब क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी. फिर हमारा कीबोर्ड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. तो दिस सेंटेंस इज क्रॉस. हमें हमेशा उसको रफली यूज़ नहीं करना चाहिए. कैसे यूज़ करना चाहिए, जेंटली यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर की को प्रेस करना चाहिए और बहुत तेज प्रेस नहीं करना चाहिए. ठीक है, लाइट हैंड यूज़ करना चाहिए वहाँ पर. नेक्स्ट है, डू नॉट पुश द कंप्यूटर टेबल. हमें कंप्यूटर टेबल को पुश नहीं करना चाहिए. तो ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, राइट होगा या रॉन्ग होगा? डू नॉट पुश द कंप्यूटर टेबल. हमें कंप्यूटर टेबल यूज़ को पुश नहीं करना चाहिए. यस, ये आंसर हमारा टिक होगा, राइट होगा. तो आई अगेन रिपीट, डू नॉट ईट और ड्रिंक इन अ कंप्यूटर रूम, टिक, सही है ये सब. मेक अ नॉइस द कंप्यूटर, मेक नॉइज इनसाइड द कंप्यूटर रूम, the sentence is wrong. Always press the keys of the keyboard roughly, wrong. Don't push the computer table, yes, बिल्कुल सही, आपको push नहीं करना चाहिए. This is the class work. So write the date and day, then after write the chapter name, then you have to write the exercise, tick and cross. This is the homework. See the pictures. Some pictures are here. यहाँ पर भी आपको यही करना है कि जो पिक्चर आपको सही बता रही है आप उस पर टिक करेंगे, और जो गलत एक्शन की है पिक्चर्स उसे आप क्रॉस करेंगे. ठीक है, यहाँ पर देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ईटिंग ड्रिंकिंग हो रही है. ये क्या होगी, ये पिक्चर क्रॉस होगी, क्योंकि हमें कंप्यूटर टेबल पर बैठ के खाना और पीना
नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे। इसी तरीके से आपको रेस्ट ऑफ द पिक्चर्स पर टिक करना है। ये आपका होमवर्क है। सो यू राइट, यू हैव टू राइट एच डब्ल्यू होमवर्क। ठीक, टुडेज होमवर्क। थैंक यू क्लास।